अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा चिकन की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं हमने इसे किस तरीके से तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन, इसे अच्छे से क्लीन करके मैंने वॉश कर लिया है। तो उसी के साथ मैं इसमें 1 teaspoon नमक डालूँगी, 1/2 teaspoon हल्दी और 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर और 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब मसालों को हम चिकन में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे 30 मिनट के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल डाल दिया है 2 tablespoon। अब हम इस चिकन के पीसेस को इस ऑयल में डालेंगे और 5 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। तेज आंच पर फ्राई करना है ताकि हमारी चिकन जूसी बने। 5 मिनट के बाद हम इसे भी टर्न कर लेंगे। अब और 5 मिनट हम इसे पकाएंगे। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे फ्राइंग पैन में से। दूसरे पैन में मैंने 3 tablespoon ऑयल डाला है। अब हम इसमें 3 chopped की भी प्याज डाल देंगे, मिक्स करेंगे। हल्की गुलाबी होने तक प्याज को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी हम मिक्स करेंगे। अब अदरक लहसुन इसमें पक गया है, तो 4 medium size के टमाटर लिए थे, उनकी प्यूरी बना ली थी। अब हम प्यूरी को इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। कवर करके हमें इसे 2 मिनट पकाना है। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से हम इसमें भूनेंगे तेल में टमाटर को प्याज के साथ। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 tablespoon धनिया पाउडर और 1 tablespoon लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर मसालों को हमें प्याज के साथ अच्छे से भूनना है। देखिए तेल इसका ऊपर आ रहा है और हमें इसे थोड़ा भूनना है। अब हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसे पकाएंगे। 1 tablespoon यहाँ पर मैंने कोरिएंडर ऐड किया है, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम। मसाला भून गया है हमारा। तो यहाँ पर 1 cup दही लिया था मैंने, तो हमें दही को थोड़ा थोड़ा करके इन मसाले में मिक्स करना है। फ्लेम को एक लो रखेंगे हम, तेज आंच पर नहीं भूनेंगे इसे। थोड़ा थोड़ा करके हम दही डालेंगे और इसे भूनेंगे, तो हमारा मसाला भी बहुत अच्छा बनेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा दही डालने से मसाला कितना अच्छा बन रहा है। इसी तरह हमें भूनना है। अब मसाले में से तेल ऊपर आने लगा है, यानी कि हमारा मसाला पक गया है। तो जो अब हमने चिकन फ्राई करके रखी थी, वो चिकन के पीसेस को इन मसालों में डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसे। एक गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। कवर करके हम इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, तो हमारी चिकन पक गई है। अब हम इसमें 1 teaspoon कसूरी मेथी डालेंगे और 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे इसे। तो ढाबा चिकन हमारी तैयार हो गई है।
बस इसी तरह हम इसे 2 मिनट और पकने देंगे। देखिए ये सर्व करने के लिए रेडी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।